वो भी एग्जाम्पल सेट कर रहा है, वो पंजाब सेट कर रहा है एग्रीकल्चर का, बिकॉज इन द नॉर्थ वी हैव, भारत शिक्षा यात्रा कर रहे थे, ये सारी यूनिवर्सिटियों को विजिट कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जिसको आई कार मिला, यात्रा के दौरान जो इंडिया के पद्म श्री है उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ हमारा, तो हमारे फार्मर्स हैं, मैं भी एक गांव से आता हूँ, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वी आर रिच इन द एग्रीकल्चर्स फूड्स एंड टेक्नोलॉजी, तो आप उसको आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आप सबका सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, रमेश सदावती सर का थैंक यू सो मच, ऑल टीम्स का, सब बैठे हो, और हम एक भारत शिक्षा यात्रा कर रहे थे, वी स्टार्टेड फ्रॉम द पंजाब और फर्स्ट वी वेंट टू द लेह लद्दाख, आफ्टर दैट वी वेंट टू द कन्याकुमारी, और आफ्टर द कन्याकुमारी वी फॉलोइंग द कोस्टल एरिया एंड वी एंडेड एट द हरियाणा। सो नितिन घोसला सर ने कहा कि स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर हमारा इंडियाज में, क्योंकि फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जिसको आई कार मिला था, तो ये बहुत प्राउड का मोमेंट होता है कि जब आप इतनी सारी यूनिवर्सिटियों को विजिट कर रहे हैं। हमने ये जो हमारी भारत शिक्षा यात्रा थी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस विजिट्स किए, बट प्राइवेट भी किए, गवर्नमेंट भी किए, IITs भी की, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन भी किए, रिमोट एरियाज़ के साथ इंटरेक्शन किए, और आज हमने डॉक्टर रमेश कुमार सदावती सर के साथ भी एक इंटरेक्शन किया है, जिसमें हमारी इस यात्रा के दौरान जो इंडियाज़ के पद्म श्री है उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ हमारा, उनके भी हमने इंटरव्यू किए। तो सबसे जो एक ख़ास बात है स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की, वो क्यों है, क्योंकि वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, वी हैव 86 मिलियन हेक्टेयर लैंड, क्योंकि आज हमारा मोटिव डाइवर्ट हो गया है, हम इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, बट हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। आज आपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत, जैसे सर ने भी बताया कि आपने हमें अलाइनमेंट कर दिया, और ये एक्चुअली है, क्योंकि जो लोग हमारे फार्मर्स हैं, मैं भी एक गाँव से आता हूँ, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी हमारा सेक्टर उस चीज़ को डेवलप ही नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहा है, बट आपकी बदौलत आज इंडिया एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। और मैंने खास बात और देखी, मैंने काफ़ी ट्रक्स देखे जो पंजाब के थे, और जो मशीनरी होती है जो हमारी कल्टीवेशन के लिए मशीनरी यूज होती है, वो पंजाब सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो साउथ के अंदर आज हमने कम बड़ी बड़ी कंपेनिंग जिनसे, हाँ कंबाइन से जो हम वीट को निकालते हैं, और वो बहुत सारी मशीनें भी वहाँ जाती है, और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के जो वो इक्विपमेंट्स होते हैं वो साउथ के अंदर सप्लाई हो रहे हैं, बट हम ये कहते हैं कि पंजाब क्या प्रोड्यूस कर, पूरी जो भी एग्जांपल सेट कर रहा है वो पंजाब सेट कर रहा है एग्रीकल्चर का, बिकॉज इन द नॉर्थ वी हैव इट मोर एंड मोर लैंड। आप बाकी एरियाज़ के इंडिया को विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी सोयल है वो डिफरेंट डिफरेंट, MP तक ठीक है, उसके बाद तो इतना एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो पाती है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स बनाने में पंजाब आगे, और आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ के फार्मर्स, मैं एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ के जो फार्मर्स के साथ मिल के जो वो इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या न्यू टेक्नोलॉजी ला जा सकते हैं, वो इंडिया वेट कर रहा है आपकी, उसमें भी आप एक रोल पार्टिसिपेट करें, जो मैंने गैप्स देखा। तो होप सो जो आपने अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ बुलाया, यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जो आप गैप फिल कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, और उस लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा हम कल्टीवेट्स कर सकें, क्योंकि जो भी बाहर की जितनी कंट्री है 16th century में पुर्तगालीज जो ईस्ट इंडिया या जो भी आए, वो हमसे मसाले लेने के लिए आए थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेने के लिए आए थे, तो वी आर रिच इन द एग्रीकल्चर्स फूड्स एंड टेक्नोलॉजी, तो आप उसको आगे ले जाएं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपने इतना मौका दिया बोलने का, थैंक यू सो मच, थैंक यू।